लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। समुद्र के अंदर से अक्सर ऐसी चीजें मिलती रहती है जिसके बारे में जानकर या सुनकर हैरत होती है, चाहे वह कोई अजीबोगरीब समुद्री जीव हो या फिर कोई सालों पुरानी चीज। हाल ही में कनाडा के वैंकूवर आइलैंड पर रिसर्च करने गए दो छात्रों को समुद्र के अंदर एक कैमरा मिला जो पूरी तरह से सुरक्षित था। एक वेबसाइट के मुताबिक मरीन बायोलॉजी के दो छात्र ब्यूडोहर्टी और टेला ओसलर समुद्री के अंदर और उसके आसपास के एरिया में शोध का काम करते हैं। अपने रिसर्च के सिलसिले में वो वैंकूवर आइलैंड गए थे। जब वो पानी के 40 फीट अंदर पहुंचे तो एक छात्र को कुछ ऐसी चीज दिखी जिसका ताल्लुक समुद्री जीव से नहीं था। उसने तुरंत ये बात अपने साथी को बताई और जब दोनों ने गौर से देखा तो पता चला कि वह एक डिजिटल कैमरा है। उस दौरान छात्र ने उस कैमरे को अपनी जेब में रख लिया और काम करने लगे। जब दोनों काम करके बाहर निकले तो सीधे अपने सुपरवाइजर प्रोफेसर साइबन ग्रे और उनके सहयोगी प्रोफेसर कोर्ट के पास पहुंचे। कैमरे को देखने के बाद उन्हें लगा कि यह फोटो खींचने वाला कोई साधारण कैमरा होगा, लेकिन उन्होंने जैसे ही कैमरे को खोला तो उसके अंदर से एक मेमोरी कार्ड निकला। उन्होंने उसे साफ करके अपने कंप्यूटर में उसे लगाया तो वह काम करने लगा। उनका कहना था कि उस कार्ड में साल 2012 के कई फोटोज और वीडियो थे। फोटो ज्यादातर फैमिली गेट टुगेदर के थे। उनका ये भी कहना था कि मेमोरी कार्ड के अंदर काफी संख्या में पारिवारिक रीयूनियन के फोटोज और वीडियो ही मौजूद थे। कैमरे को उसके ओनर तक पहुंचाने के लिए कोर्ट ने कुछ फोटो फेसबुक पर भी अपलोड किए, लेकिन कुछ नहीं पता चला। फिर उन लोगों ने कुछ फोटोज के प्रिंट आउट निकाला और पूरे इलाके में चिपका दिया। उसी दौरान एक लोकल गार्ड की नजर पोस्टर पर पड़ी तो उसने तस्वीर में मौजूद एक शख्स को पहचान लिया। इसके बाद कैमरा के मालिक को फोन कर बुलाया गया और उसकी अमानत लौटा दिया गया। जिस शख्स का कैमरा था उसने बताया कि 2 साल पहले वो रेस्क्यू करने के लिए समुद्र के अंदर गया था, उसी दौरान यह कैमरा पानी के अंदर गिर गया था उसी दौरान यह कैमरा पानी के अंदर गिर गया था।